कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने ये पार्टी मेकअप लुक शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को ये लुक मेरा। तो देखिए कैसा लगा है। और मैंने ये सारी साड़ी पहनी है, मुझे इसका तो बताइएगा ज़रूर कि ये वाला मेरा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे किया है। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग टोनिंग पहले ही कर लिया था और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ। यहाँ पे फेस में मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, आयुर का मॉइस्चराइजर है। तो इसको लगाने के बाद मैं 5 मिनट छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद प्राइमर लगाऊँगी। प्राइमर लगाने से हमारा बेस बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो उसके प्राइमर लगाने के बाद मैं फिर से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊँगी। तो ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, ऐसे डॉट डॉट करके अपनी स्किन पे लगा लूँगी अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप मोशन में ही लगाऊँगी। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी और कंसीलर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी जिससे काफ़ी अच्छा बेस तैयार होगा, स्किन एकदम ऑयली ऑयली भी नहीं लगेगी। उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप में मैं ये 2 कलर यूज़ करने वाली हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से लगाऊँगी और अच्छे से ब्लेंड करके लगाना है मुझे ताकि ये काफ़ी अच्छा कलर आए आई मेकअप पे। मेरी आईब्रो काफ़ी डार्क हैं तो मैं भूल जाती हूँ आईब्रो को अपना सेट करना भूल जाती, तो फिर मैंने आईब्रो लगा लिया। तो उसके बाद मैंने आईब्रो को अपने डिफाइन किया था, उसके बाद फिर आईलाइनर लगा लूँगी और फिर उसके बाद मस्कारा। लिपस्टिक मैं आउटलाइन करके तब लिपस्टिक लगाऊंगी और बस मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो गया है बिंदी लगा के। तो बताइएगा ये मेकअप लुक मैंने कैसे अच्छा लगा कि नहीं आपको ये वीडियो मेरा। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।